मोहम्मद जी पहले अपने उसके द्वारा जी हारे गए, तो क्या अभी भी उनकी उनकी तरफ ही झुका गया कांग्रेस का? सर कॉन्ग, मैंने कहा ना हम लोग चुनाव हार गए, लेकिन अभी हमारा इमीडिएट टास्क ये है कि लोकसभा के अंदर हम लोग अच्छा परफॉर्म करें, और जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है, और मुझे पार्टी नेतृत्व ने, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाकर एक राज्य की जिम्मेदारी दी है, मैं लीडरशिप का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लोकसभा से कुछ महीने पहले एक जिम्मेदारी मुझे दी है, उसका पूरी तरह मैं निर्वहन करूँगा, और बहुत जल्द राजस्थान में भी हम निर्णय लिए जाएंगे कि कौन विपक्ष का नेता होगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, जिला कांग्रेस कमेटी में क्या क्या बदलाव करने हैं, लोकसभा को देखते हुए जहां पर जो बदलाव करना है उसका संज्ञान AICC ले चुकी है और बहुत जल्द उस पर निर्णय लिए जाएंगे। पायलट साहब, राजस्थान में कांग्रेस के हारने के बाद आपको राजस्थान में बड़ी भूमिका देने की बजाय आपको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर बाहर कर दिया गया, कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा की तरह आपको भी साइड लाइन किया जा रहा है? भाई जहां हम बैठे हैं ये तो राज्य राजस्थान ही है, और जहां प्रचार कर रहे हैं राजस्थान है। देखिए, अलग अलग पार्टी के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। मुझे इससे पहले जिम्मेदारी दी थी केंद्र में, मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, फिर राज्य प्रदेश अध्यक्ष रहा, सरकार का हिस्सा रहा, तो समय समय पर जिस व्यक्ति की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उसका योगदान दिया जाता है। जहाँ तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि राजस्थान से बाहर जाने की बात, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थांसू दूर गोणी, ये सबको समझना है कि यहाँ पर हम लोग बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं, ये हमारी कर्मभूमि रही है, और जब तक राजनीति में हम काम करेंगे राजस्थान के लोगों की सेवा करते रहेंगे। सर, आपको ये लगता नहीं गहलोत, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो द्वंद चल रहा था उसके कारण राजस्थान में सरकार गई? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के जितने भी विधायक जीते हैं और हारे बीजेपी के भी दिग्गज हैं, जैसे कांग्रेस के दिग्गज तो हारे ही हारे हैं, बीजेपी के दिग्गज भी हारे हैं, तो आपको लगता नहीं अगर आपका ये द्वंद ना चलता? देखिए, ऐसा ये सब ये सारी बातें मीडिया में और विपक्ष के लोग करते हैं, हम लोग मिलकर चुनाव लड़े थे और इस बात को सब जानते हैं, और दो नहीं जितने नेता कांग्रेस के पूरी जान से मेहनत करी, लेकिन ये बात सही है कि इस बात का दुख हमको है कि हम सरकार नहीं बना पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं बना पाए, मध्य प्रदेश में नहीं बना पाए, लेकिन हर बार हम सरकार बनाते हैं और रिपीट नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि बार बार मेहनत कर हम सरकार बनाएं और फिर हम रिपीट नहीं कर पाते हैं। बहरहाल, इसका भी संज्ञान पार्टी ने लिया है, खड़गे साहब ने, वर्किंग कमेटी ने, राहुल जी ने, इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज हमारे हाथ जो चुनौती है वो लोकसभा चुनावों की है, उस पर मिलकर काम करेंगे, जिसको जहां जो काम दिया जाएगा जिस नेता को वहां काम करेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए हैं, जनता सवाल ही पूछ रही है ना, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, किसान का, नौजवान का क्या होगा, ये सारे मुद्दे जनता के समक्ष लेकर जाएंगे। अब राहुल जी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकलने वाली है 14 जनवरी से, वो भी लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा होगी, उस यात्रा से जो पहली वाली यात्रा थी उसको कंटिन्यू करने का काम करेंगे, और 14 स्टेट से यात्रा निकलेगी, उसमें तमाम जो गरीब है, किसान है, नौजवान है, मजदूर, उन सबकी बातों को उठाएंगे हम लोग, ताकि जवाबदेही तय तो करें। ये सरकार संसद में तो 145 सांसदों को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन जिस माननीय भाजपा के सांसद ने उन लोगों के पास बनवा के उनको संसद में घुसाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस प्रकार आप पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को मुक्त करना चाहते हैं, गलत काम है, इसकी हम निंदा करते हैं, उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस एक होकर हमने बात रखी है। लोकतंत्र में, संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा कि विपक्ष को इस तरह आप नज़रअंदाज करें, इस तरह का एक्शन लें, तो ये सारा देश देख रहा है कि केंद्र सरकार रवैया क्या है। बीजेपी शासन में, लेकिन सत्ता में इतना घमंड उनको हो गया कि विपक्ष की बात ना सुना, तो एक तरफ आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं, और 50, 70, 100, 145 सांसदों को सस्पेंड करना, ये कहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? इन सब सवालों का जवाब जनता देगी जब मतदान होगा लोकसभा के चुनाव। सर, लोकसभा चुनावों की सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस इस बार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट है जो वो 2 या 3 महीने पहले जारी कर देगी, कब तक होनी चाहिए? देखिए, ये काम स्क्रीनिंग कमेटी करती है और CC करती है, लेकिन हमारी तैयारियां रोज, राहुल जी और खड़गे जी मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, सभी लोगों से बात कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि जल्दी निर्णय हो, लेकिन मुझे लगता है कि सही समय में सही निर्णय होगा। हमारा समझौता इंडिया अलायंस के साथ चल रहा है, कहाँ कौन कितनी सीट लड़ेगा, कमेटी बन चुकी है, बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा किस राज्य में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, उसके बाद उम्मीदवारों को हम तय करेंगे। लगातार जो है वो कभी सीट पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए तो सीटें छूटे पड़े हैं उनके, कभी वो CM को बुला रहे हैं, कभी किसको बुला रहे हैं, क्या कहेंगे? अब यहाँ जी कोई भी आ जाए, यहाँ के लोग मन बना चुके हैं कि रूबी को विधानसभा भेजना है, और मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन लोग देख चुके हैं, परख चुके हैं
और एक नए व्यक्ति को, नौजवान को लोग मौका देना चाहते हैं। पूरी पार्टी एकजुट है, विशेष रूप से जो नौजवान मतदाता है वो जाति बिरादरी धर्म से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी को वोट देगा और रूबी जी हमारे साथ विधानसभा जाएंगे।